हेलो एवरीवन, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो मेरा न्यूज़पेपर से है। ठीक है, मैं न्यूज़पेपर से कुछ ऐसे कलेक्शंस ऐसे आपको करके बताएंगे कि जिससे कि आप बहुत अच्छी चीज़ों को आप बना सकते हैं। खास कर ये जो न्यूज़पेपर मैगजीन्स होती हैं उसी से रिलेटेड है। ठीक है, मैंने कुछ न्यूज़पेपर कलेक्ट किए हैं, जैसे कुछ कलेक्शंस हैं आपका, आपके पास कुछ पुराने न्यूज़पेपर हैं तो आप उनका भी कलेक्शन यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे चीज़ों का कलेक्शन कीजिए जो आपको बहुत ही यूनिक लगती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं, लेकिन अब आप उन्हें क्या करना चाहते हैं, उनका कलेक्शन जो है उनका सेव करके रखना चाहते हुए हैं। ठीक है, जैसे मैं कुछ टॉपिक देखती हूँ, यदि आप कॉलेज या स्कूल स्टूडेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे साइंस रिलेटेड चीज़ें हैं, साइंटिफिक क्वेश्चंस होते हैं, न्यूज़पेपर में से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कुछ लोगों की जर्नी आती है, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे आप स्कूल के बच्चे भी कुछ इस तरीके का न्यूज़पेपर या मैगज़ीन जो है वो निकालना चाहते हैं तो वो किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, यह मैंने कुछ कलेक्शन रेडी किया हुआ है, ये है न्यूज़पेपर का। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मैंने न्यूज़पेपर का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो इसमें मैंने कुछ टॉपिक लिए हुए हैं जैसे कि साइंटिफिक क्वेश्चंस हैं, पजल्स हैं और स्टूडेंट जर्नी, ये कि जिसमें कि आप कहीं जाते हैं या मेमोरीज़ होती है स्टूडेंट्स की तो उसे वो कहीं ना कहीं लिखना चाहते हैं। ठीक है, अपनी बातों को बताना चाहते हैं। कुछ बच्चे डायरी राइटिंग के द्वारा भी बताते हैं, डायरी एंट्री होती है, डायरी एंट्री भी आप इसे मेंशन कर सकते हैं। फिर स्टोरीज़ हैं, स्टोरीज़ जैसे आप मान लीजिए कुछ चीज़ों को अगर आपने देखा तो आप उसको स्टोरीज़ के थ्रू बताना चाहते हैं, और या तो फिर वर्बली या ऑडियो रिकॉर्ड करके बताना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, तो उसमें अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके इसकी लिंक शेयर कर सकते हैं। पज़ल्स हैं, पज़ल्स आपके बहुत सारे न्यूज़पेपर में होते हैं, कुछ बुक्स यदि आप लोग पढ़ते होंगे तो बुक्स में भी रहते हैं बहुत सारे पज़ल्स, तो आप उनकी कटिंग भी उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी रेडी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस बच्चे आजकल क्वेश्चंस अपने आप भी काफ़ी चीज़ों को रेडी करते हैं, इतनी सारी यदि आप बुकें पढ़ते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मेनली चीज़ यही है, फोकस मेरा जो है वो है रीडिंग, कि जब यदि आप कुछ चीज़ों को रीड करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं। ठीक है, तो रीडिंग करना ना छोड़ें, रीडिंग बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैं सजेस्ट भी यही करूँगी, मान लीजिए आपके पास कोई पुराने न्यूज़पेपर हैं या फिर कोई नए न्यूज़पेपर भी हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप उससे कोई भी अच्छे जो टॉपिक होते हैं आप उनको भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यदि मैंने ये आपका जो साइंस का ही है, अगर आपको रीड करना बहुत अच्छा लगता है तो आप ऐसे रीड कर सकते हैं रीडिंग, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी, जब आप रीडिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को भी सीखते हैं। तो मैं ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप रीडिंग भी डेली करें, न्यूज़पेपर भी डेली रीडिंग करें, और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं होता है कि पर्टिकुलर जो करेंट का न्यूज़पेपर आप उसी को यूज़ करें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कोई पुराने जो न्यूज़पेपर होते हैं, यदि आपके पास इंग्लिश का न्यूज़पेपर या कुछ पुरानी कुछ ऐसे न्यूज़ रहती हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपको वो न्यूज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, या आपको कुछ ऐसा जो ऐसा कॉलम जो न्यूज़पेपर में आता है, कोई ना कोई ऐसा कॉलम ज़रूर होता है जो आपको बहुत अच्छा लगता है। खासकर जैसे यदि हिंदी न्यूज़पेपर है तो इंग्लिश डिक्शनरी आती है, इंग्लिश के बहुत सारे इसमें वोकैबुलरी सेशन भी आते हैं, आप उसको भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अपनी स्कूल या कॉलेज की जो मैगज़ीन है यूज़ करना है, यदि आपको बनाना है तो न्यूज़पेपर मैगज़ीन के थ्रू आप अपनी सारी बातों को बोल सकते हैं। मैंने एक छोटा सा कलेक्शन है मैंने रेडी किया हुआ है, आप देख सकते हैं, तो आप अपने तौर पर ऐसे भी इस तरीके से कभी कटिंग करके लगा सकते हैं, या यदि आप पब्लिश कराना चाहते हैं तो आप उसे रिटर्न देंगे, और यदि आप अपने लिए खुद पर्सनल बनाना चाहते हैं और फिर पर्सनल उसे कॉपी करके या उसे पब्लिश करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी एक चीज़ है कि आपके लिए बहुत काम करेगी। अभी आपके पास टाइम है तो शायद अभी आप बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। मैंने कुछ डेमोस लिए, मैंने रेडी किया है, आप इसे लीजिए और इन्जॉय कीजिए। नाउ टेक केयर एंड बाय बाय।